पनीर टिक्का बर्गर बनाने के लिए चाहिए 150 ग्राम पनीर, 50 ग्राम तंगा दही, आधा छोटी चम्मच हरी मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/4 छोटी चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच पीली मिर्च, आधा छोटी चम्मच धनिया पुदीने का पेस्ट, 1/4 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 2 छोटी चम्मच सरसों का तेल, नमक स्वाद के अनुसार, 2 बर्गर बन, 30 ग्राम लेटस, 30 ग्राम मक्खन। चलिए बर्गर से शुरुआत करें शेफ। बिल्कुल, हम इसके लिए पनीर के लिए पहले बनाएंगे हम अपनी मैरिनेशन। इसके लिए चाहिए हमारे को दही 2 चम्मच। ओके, हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट थोड़ा सा। ओके, थोड़ा सा आपका आएगा मिंट का पेस्ट, उसके बाद डालेंगे हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट। ओके, और डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल। Okay, इसके बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। इसके बाद इस पनीर को इसके अंदर कोट करके इसको फिर थोड़ी देर छोड़ देंगे। कितनी देर तक? कम से कम तो 20 मिनट। इससे इसका होगा कि हमारा जो जितना भी मसाला है वो सब पनीर के अंदर चला जाएगा। चलिए तो इसको हम 20 मिनट के लिए रख देते हैं, बट आई थिंक आपके पास ये मैरिनेटेड पनीर पड़ा है तो इसे बनाएं आगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसके बाद हम इसको ग्रिल करेंगे जी। उसको करने से पहले अगर हम थोड़ा अपने बर्गर को सेट कर लें Okay. ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि हमारा पनीर तो मैरिनेट हो ही चुका है। अब हम अपना बर्गर ले सकते हैं, तो हम इसको बीच में से काट सकते हैं। पूरा काटना है या जस्ट हाफ? पूरा काटना है। थोड़ा सा बटर लेंगे हम और बर्गर पे लगा सकते हैं। तब इसको सेकेंगे ना? बिल्कुल, दोनों तरफ दोनों साइड्स पे आप लगा सकते हैं इनको। पहले तो ये बन सेक लूं मैं। बिल्कुल, तब तक और पनीर? तब तक मैं अपना पनीर सेक लेते हैं यहाँ पे। डालें? बिल्कुल enough? बिल्कुल। ओके, सो द फर्स्ट हाफ इज रेडी, अब सेकेंड हाफ सेक रहे हैं। और That's perfectly fine. Okay. All right, so buns are ready. Yeah. तो अब तो हमारा पनीर भी रेडी हो गया है इसका। All right. ना पुदीना पनीर तवा टिक्का। हमारा बर्गर जैसे कि गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा लेट्यूस लगाएंगे। On top, we will put the tikka. The tikkas. Right. And to give a little bit of Indian touch, definitely some, some lachha pyaz on top. Yeah. So, we have the paneer tikka burger ready. Can we cover it? We can always just put it like this, so okay. It gives the show. And that completes here. Wow. Paneer tikka burger. Alright, so the paneer tikka burger is ready. देख लीजिए कि इसमें कितनी कैलोरीज हैं और साथ ही अगर कोई भी स्टेप मिस हो गया हो तो नोट कीजिए इसका चटपट सा रिकैप। पनीर टिक्का बर्गर बनाने के लिए दही, हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पुदीना पेस्ट, सरसों का तेल, सूखे मसाले और नमक मिलाएं। इसमें पनीर को 20 मिनट तक मैरिनेट करें। मैरिनेटेड पनीर को तवे पर पकाएं। बर्गर बन को बीच में से काटें, इस पर मक्खन लगाकर तवे पर पकाएं। पके बन पर लेटस, टमाटर, पका पनीर और प्याज रखें। ऊपर से चाट मसाला डालें, पुदीने की चटनी के साथ परोसें।